ये वही ऊंट है जिसकी टांग एक किसान ने काट दी, सिर्फ उसकी फसल में गया था और जिसकी वजह से उसकी टांग काट दी। इस तरह की इंसानियत हमारे पाकिस्तान में खास तौर पर नजर आती है। बहुत सारे वाकयात हैं जो आपको नजर आएंगे हमारे पाकिस्तान में कि जानवरों के साथ यानी इतना बुरा सलूक किया जाता है कि आपकी रूह कांप उठेगी। ठीक है, जिस तरह के हाल ही में ये वाकया हुआ है, किस तरह उस यानी किसान ने एक बेरहम किसान ने एक बेरहम इंसानियत की सूरत में एक हवान जो हमें नजर आ रहा है, उसने एक जानवर की, ठीक है, जो बोल भी नहीं सकता, इतनी बुरी तरह से वो रो रहा है, इतनी बुरी तरह से उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं 24 घंटे के बाद भी, क्योंकि इतनी तकलीफ यार एक जानवर कैसे बता सकता है, किसी को नहीं बता सकता। लेकिन ये एक इंसान का वाकया है, लेकिन एक इंसान ने एक जानवर की टांग काट दी है। ठीक है, उसको चाहिए था कि जिसका जानवर है ना उसकी टांग काटो, अगर काटनी ही है, अगर उसकी टांग काटनी ही है तो उस बंदे की टांग काटो ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह टांग काटते हैं। एक जानवर की टांग काट के आपको ये अंदाजा नहीं ना होगा कि यार अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश में है, सब कोशिश कर रहे हैं कि इस बंदे को बुरी से बुरी सजा मिली जाए, ठीक है, मिल जाए, ताकि एक जानवर को सुकून मिले, ठीक है, उसकी रूह को सुकून मिले। जो एक जानवर है लेकिन उसे समझ तो सारी है ना, उसे पता चलता है कि यार किस तरह और मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, यानी किस तरह यानी उसको अगर इंसाफ मिलेगा तो उसको पता चलेगा। ठीक है, वो भी इंसानों की तरह ही सोच है, लेकिन एक वो बात अलग है कि वो बेजुबान है, बोल नहीं सकते। Okay,